हाल है किसी का तो बताए, नहीं आगे चलें। तो आपको सप्लाई चेन की समझ आई थी कि किस तरह हमारे मुल्क में ये जो टैक्स है निकलवाया जाता है कि सेल्स टैक्स में सारा बर्डन किसके ऊपर होता है? एंड कंज्यूमर के ऊपर। जितना भी टैक्स है वो कौन पे कर रहा होता है? एंड कंज्यूमर पे कर रहा होता है। अब हमने देखा था कि पर्सन क्या होता है, उसको हमने देख लिया था क्या है क्या नहीं है। वैसे पर्सन क्या होता है ये बताएगा? रट्टे मार के आए हुए हैं। चलिए जी, उसके बाद ये डेफिनेशन है, इसको मार्क कर रहे हैं, इसके ऊपर आपने लिखा है, लिखना है। इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, पेपर में आई हुई है, पेपर में इस डेफिनेशन की एक्सेप्शन आई हुई है कि कौन से इसका पार्ट नहीं बनेगी, वो उसने पूछी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें। टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है उसको हमने देखना है, क्या है और क्या नहीं है। देखें, हमने अगर किसी भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना है तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि यार ये एक्टिविटी जो है जिसके ऊपर टैक्स लगवा रहे हैं, क्या वो एग्जेम्प्ट तो नहीं है या क्या वो टैक्स एबल तो नहीं है। एग्जेम्प्ट का मतलब होता है कि इसके ऊपर कभी भी हम टैक्स जो है वो हम चार्ज नहीं कर सकते, और टैक्सेबल का मतलब क्या है कि हम इसके ऊपर जो टैक्स होगा वो चार्ज करेंगे। तो रिमेंबर, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अगर वो टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा, सेल्स टैक्स, अदरवाइज टैक्स चार्ज नहीं होगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल, ये जो गलियों में सब्जियां बेचने आ रहे होते हैं, क्या एक्टिविटी है ये? बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, लेकिन ये एक्टिविटी टैक्सेबल नहीं है। लोग स्केचिंग करते हैं, लॉन्ग ड्राइंग ड्राइंग्स वगैरह कर रहे होते हैं, हॉबीज़ में जो चीज़ें फॉल कर रही होती हैं, एक्टिविटी है, बट वो भी टैक्सेबल नहीं है। अगर आप हॉबीज़ में कोई काम कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्स नहीं लग रहा होता। इसका मतलब हमें देखना पड़ेगा टैक्सेबल एक्टिविटी क्या होती है और क्या नहीं होती। अब टैक्सेबल एक्टिविटी की बात करें तो इसका मतलब है कि वो तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, PRC पढ़ के आए हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है? वाह, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या हो रही है बताएं, एनीवन? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है जिसमें कोई कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, कुछ लेन देन हो रहा है, कुछ इनफ्लोज हैं, कुछ आउटफ्लोज है, किसी को फ़ायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है, वो हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। चाहे आप वो प्रॉफिट के लिए कर रहे हैं, चाहे आप प्रॉफिट के लिए नहीं कर रहे, डोनेशन भी इसमें आ जाती हैं, इसमें आप क्या कहते हैं, चैरिटी भी इसमें आ जाती है, एंड इंक्लूड्स। ये जो एंड इंक्लूड्स के बाद चीज़ें आएंगी ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इकोनॉमिक टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है, लेकिन उसमें ये तमाम चीज़ें भी शामिल हैं कि इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो हमारी क्या कहलाएगी? टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। अब पहली कौन सी है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो आप बिज़नेस की फॉर्म में कर रहे हैं, ट्रेडिंग की फॉर्म में कर रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग की फॉर्म में कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। अब कारोबार है, बिजनेस है, लेन देन हो रहा है, पैसा कमा रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, चीज़ें बना के बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तजारत कर रहे हैं, ये रजिस्टर्ड हैं, पैसा कमा रहे हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप सामान बेच रहे हैं, दुकान खोली हुई है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप लोग घर का सामान बेचाते हैं लोड करवाने के लिए, तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। क्यों? बिकॉज ना तो आप वो बिजनेस कर रहे हैं, ना तो आप ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हैं, और ना ही आप मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में या बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो फिर वो क्या कहलाएगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। उसके अलावा कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी क्या होगी? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। जैसे हम बात करें हायर की, कंपनी है एसी बना रही है, एसी बना के बेचती है, तो इसकी ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। उसके अलावा वो एसी की इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही होती है।
आप उनकी टीम को कॉल करें, वो आएंगे आपका एसी इंस्टॉल कर देंगे। अगर आपका एसी ख़राब हो गया, उनकी टीम को कॉल करें, वो आपका एसी ठीक कर देंगे। फ्रिज ख़राब हो गया, उन्हें कॉल करें, वो भी ठीक कर देंगे। और ये दोनों भी प्रोवाइड करती हैं। आप इनसे नया एसी लोगे, एसी ही बेचेंगे, आपको इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी दे रहे होंगे कि हमारा बंदा आएगा और आके आपको एसी लगा के दे जाएगा। तो ये भी सारी क्या कहलाएंगी, टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होंगी। उसके अलावा जो वन ऑफ एडवेंचर होता है, कोई आपने बिजनेस में एक दफ़ा काम कर लिया, वो भी क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, आपने दुकान रजिस्टर्ड की हुई है गंदम की, आप गंदम बेच रहे हैं, आपको पता है यार सीजन आया हुआ, चावल बेचूंगा प्रॉफिट निकल आएंगे, दुकान भी गंदम की है, बेच भी गंदम रहे हैं, चावलों की बोरियां ली हैं, एक दफ़ा बेच दी हैं, प्रॉफिट हुआ, मुनाफा हुआ। तो ये जो वन ऑफ एडवेंचर है, एक दफ़ा आपने काम किया है लेकिन बिजनेस से रिलेट कर रहा है, ये भी क्या कहलाएगा आपका टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। पॉइंट नंबर डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर डी है कि आप अगर बिजनेस करते हुए ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या बिजनेस को टर्मिनेट करते हुए, बिजनेस खत्म करते हुए कोई भी ऐसी एक्टिविटी करेंगे, वो भी क्या कहलाएगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। जैसे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस स्टार्ट करते हुए आप ट्रायल प्रोडक्शन करते हैं, आप सैंपल्स बना के बेचते हैं, ये जो सैंपल्स बना के बेचे हैं आपने, ये भी क्या है आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बनेगा। आपने बिजनेस वाइंड अप कर दिया, करिए हम अपना कारोबार खत्म कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन की हुई है, थोड़े बहुत यूनिट्स पड़े हुए हैं, आपने वही बेच रहे हैं, तो वो जो आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, उस ख़त्म करते हुए जो चीज़ें आपने बेची हैं, वो भी क्या कहलाएंगी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होंगी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी का पार्ट बन रही होती हैं। अगर आप इस डेफिनेशन को देखें तो तकरीबन हर एक चीज़ ही क्या है, टैक्सेबल एक्टिविटी है। आप कोई भी प्रोफेशन का नाम लें, किसी भी चीज़ का नाम लें, तो वो यहाँ पे तो फॉल कर रही है। इज दैट क्लियर? ये तो इम्पोर्टेंट है, सी पॉइंट है कि आप जब ट्रेडिंग वगैरह कर रहे हैं, ट्रेडिंग वगैरह करते हुए आपने कोई वन ऑफ एडवेंचर कर लिया, एक दफ़ा कोई चीज़ बेच दी है, आप उसको बेचते नहीं है, लेकिन आपने प्रॉफिट कमाने के लिए, वन टाइम इवेंट करने के लिए कोई चीज़ बेच दी है, कोई चीज़ कोई काम कर ली जिससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो वो भी आपके टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रही होगी। पेपर में टैक्सेबल एक्टिविटी बहुत कम पूछता है, पेपर में पूछता है टैक्सेबल एक्टिविटी में जो चीज़ें नहीं हैं वो। ये तीन पॉइंट हैं, तीन नंबर का सवाल आता है कि वो कहेगा जी टैक्सेबल एक्टिविटी, सवाल क्या होगा पास्ट पेपर में, सवाल होगा जी एक्टिविटी मीन्स एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन वेदर और नॉट फॉर प्रॉफिट। ये पूरी लाइन लिख देगा, कहेगा जी एंड लिस्ट द एक्सेप्शन टू दिस रूल, बताएं कौन सी चीज़ें जो हैं इसका पार्ट नहीं बनेंगी। तो रिमेंबर, ये तीन पॉइंट ऐसे हैं जो इसका पार्ट नहीं बन रहे होंगे। पहला इसमें पॉइंट आ रहा होगा कि जो आप एम्प्लॉयमेंटशिप में होते हैं, जो आप एम्प्लॉयमेंटशिप में एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाती। अगर आप एम्प्लॉय के तौर के ऊपर, एज आ मुलाजिम के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक आर्किटेक्ट है, स्पेलिंग मेरे इंशाल्लाह ख़राब है, इसके देखते हैं आर्किटेक्ट है ये, किसी भी एबीसी कंपनी में एज अ जॉब कर रहे हैं, और एबीसी कंपनी जो है वो क्या कर रही है, इससे डिज़ाइनिंग वगैरह करवा रही है। एक हमारे पास ये है, और दूसरा है आर्किटेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, अपना प्राइवेट काम खुद कर रहा है, मतलब खुद अपने क्लाइंट्स लेके आता है और क्लाइंट्स ला के उनके नक्शे वगैरह बना के घर वगैरह बना के बेच रहा है, ठीक है। अब देखें, इसी आर्किटेक्ट का एक अमल जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी है और एक जो है वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। जो यहाँ पे ये प्राइवेट क्लाइंट्स लेके आता है, उनके नक्शे बना के दे रहा है, ये क्या कर रहा है, बेसिकली उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे इसका काम करना क्या कहलाएगा, टैक्सेबल एक्टिविटी कहला रहा होगा। लेकिन जो यहाँ पे जॉब कर रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको इस नक्शे बनाने का, इस डिज़ाइन बनाने का पैसे मिल रहे हैं, तनख्वाह मिल रही है। तो ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंटशिप अगर कोई इस तरह का वो काम करके दे रहा है, वो कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, बिकॉज उसको ये काम करने की क्या मिल रही है,
तनख्वाह मिल रही है। अब वो जो नक्शे इसने बना के दिए हैं वो इसके नहीं होंगे, वो कंपनी के होंगे, वो कंपनी के टैक्सेबल एक्टिविटी कहलाएंगे, लेकिन इस बंदे की कभी भी वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहलाएगी। तो जो एम्प्लॉयमेंटशिप में आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो कभी भी आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं होती। क्यों? बिकॉज आपको उस काम करने की सैलरी मिल रही होती है, आपको उस काम करने की तनख्वाह मिल रही होती है, आप उसके पैसे लेते हैं फिर आप काम कर रहे होते हैं, तो वो आपकी तनख्वाह में आता है, वो टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आ रहा होता। उसके अलावा पॉइंट नंबर बी है कि कोई भी एक्टिविटी, अब देखें यहां पे स्पेशली वर्ड किसका हमने हाईलाइट किया हुआ है, इंडिविजुअल। ये किसके लिए है? इंडिविजुअल के लिए, मतलब ही या शी। अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो एज अ रिक्रिएशनल परसूट या हॉबी के तौर के ऊपर है, तो वो भी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आती। एक बंदा कहता है स्केचिंग करना मेरी हॉबी है, पेंटिंग बनाना मेरी हॉबी है, गाने गाना मेरी हॉबी है, कलेक्शन मेरी हॉबी है, तो वो एज अ हॉबी के तौर के ऊपर या एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के तौर पर कोई काम कर रहा है तो वो कभी भी उसकी टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं आएगी। और पॉइंट नंबर सी जो है ना वो यही पॉइंट है, पॉइंट नंबर बी ही पॉइंट नंबर सी है, लेकिन पॉइंट नंबर सी किसके लिए है? एओपी एंड कंपनी के लिए है कि अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, कोई फर्म है, कोई कंपनी है, अगर वो कोई ऐसे रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर देती है, जैसे फॉर एग्जांपल मास्टर पेंट्स हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल, वो पेंट्स वगैरह बेच रहे हैं सड़कों पे, वो सॉरी पेंट्स वगैरह बेच रहे हैं, उनके टैक्सेबल एक्टिविटी है। वो कहते हैं ठीक है यार हमने क्या करना है, जितनी भी लाहौर में वॉल चॉकिंग हुई है हम जाके वहाँ को पेंट करके वहाँ पर फूल बूटे बना के आ जाएंगे। अब वो क्या कर रहे हैं? एज अ रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। या वो कहते हैं जी आज हम जाके SOS में रखते हैं कलर्स डे और ये पेंट लेके जाएंगे, अपना पूरा SOS को पेंट करके आ जाएंगे, तो वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है उस कंपनी की, तो वो भी कभी भी टैक्सेबल एक्टिविटी के तौर के ऊपर नहीं आ रही होगी। तो ये तीन चीज़ें हैं एम्प्लॉयमेंटशिप में, प्राइवेट रिक्रिएशनल एक्टिविटी में, अगर ये आप काम कर रहे हैं तो ये कभी भी आपके टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं शुमार हो रही होती। इज दैट क्लियर? इससे एक दफ़ा पढ़ने डेफिनेशन को फिर हम आगे चलते हैं। आप लोगों के पास नोट्स हैं? सबके पास है ना? किसके पास हैंडआउट्स ना हो एक दफ़ा इसको पढ़ लें फिर हम आगे चलते हैं। सी क्या मतलब है कि जैसे AOP है या कंपनी है, अगर वो कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रही हैं जैसे इंडिविजुअल्स कर रहे होते हैं तो वो भी उनके टैक्सेबल एक्टिविटी शुमार नहीं होंगे। सी का मतलब ये है। वैसे हॉबी कर रहा है ना, उसे कहते हैं हाँ भाई मेरा बिजनेस ये नहीं है, मैं तो काम ही करता, मैं तो कहीं पे जॉब कर रहा हूँ कॉल सेंटर में, ये बस आके शाम को मैं हॉबी के तौर पे कर रहा हूँ, तो वैसा हॉबी के तौर पे लेके चल रहा है, बेशक पैसे चार्ज कर रहा है और टैक्सेबल एक्टिविटी में नहीं आएगा। कार कलेक्शन कहाँ, इतनी महंगी हॉबी है, लेकिन उसके ऊपर भी सेल्स टैक्स नहीं चार्ज होता। वैसा हॉबी है ना, वो लेके आ रहा है, बेच तो नहीं रहा, कलेक्ट ही कर रहा है ना, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देता, बेचेगा तब नहीं लगेगा, गाड़ियों में भी नहीं होता, खुद नहीं पे कर रहा होगा। कार कलेक्शन में आती है विंटेज कार मोस्टली, पुरानी गाड़ी, उसके ऊपर टैक्स नहीं पे करता होगा। वो ख़रीदने ऊपर आएगा तो एक ख़रीदना एक अलग चीज़ है, ख़रीद के लेके आना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे कलेक्शन एक उसकी हॉबी है, उसने 15 गाड़ियाँ रखी हुई हैं तो 15 गाड़ियों पर उसे टैक्स दिया होगा जब परचेज किया होगा। अब जब वो आगे बेचेगा ये काम करेगा उसके ऊपर वो टैक्स पे नहीं करेगा।
जब गाड़ी आप नई परचेज करते हैं सिर्फ उस वक्त टैक्स पे करते हैं, अदरवाइज हम पुरानी गाड़ी पे कभी भी टैक्स पे नहीं कर रहे होते, विंटेज कार वगैरह पे टैक्स नहीं होता। ये क्लियर है? उसके बाद है डेफिनेशन टैक्सेबल सप्लाई, ये रीड ओनली है। देखिए सप्लाई, अभी हम इस वर्ड को देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता, अभी हम इसको अगर डिस्कस करते हैं। लेकिन टैक्सेबल सप्लाई क्या होती है? रिमेंबर, सप्लाई अदर देन एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो सप्लाई जो एग्जेम्प्ट के अलावा है वो मेरी क्या कहलाती है? टैक्सेबल सप्लाई कहला रही होती है। अगर मैं सेल्स टैक्स की बात करूँ ना, तो सेल्स टैक्स की जो दुनिया है हमने इसको दो ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। एक है हमारी जो कहलाती हैं एग्जेम्प्ट सप्लाइज, और दूसरी हैं जो हमारी कहलाती हैं टैक्सेबल सप्लाइज। पूरा सेल्स टैक्स जो है ना इन दो कैटेगरीज में डिवाइड है। या तो जो गुड्स बेच रहे हैं वो एग्जेम्प्ट हैं, एग्जेम्प्ट का मतलब है उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, या वो क्या है, या वो टैक्सेबल हैं। अब टैक्सेबल में मुख्तलिफ रेट्स हैं, कोई 18% पे है, कोई 10% के ऊपर है, कोई 0% के ऊपर है, कोई 5% पे है, कोई 8% पे है, अलग रेट्स हैं, लेकिन वो टैक्सेबल हैं। तो जहाँ पे भी हम बात करेंगे सेल्स टैक्स की, दो चीज़ें हैं, या तो वो सप्लाई एग्जेम्प्ट है मतलब उसके ऊपर टैक्स है ही नहीं, या वो सप्लाई क्या है, टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल में रेट डिफरेंट होंगे, 18% है किसी पे, 0% है किसी पे, 5% है, जो हम लेके चल रहे होंगे। अब इस डेफिनेशन में आती है एक सप्लाई का नाम, जिसका है नाम ज़ीरो रेटेड सप्लाई। इसको आगे जाके हमने बहुत डिटेल में पढ़ना है, बस इसको सिर्फ यहाँ पे याद रख लें कि ये वो सप्लाई होती है जिसके ऊपर टैक्स तो चार्ज होगा बट 0% के ऊपर हम टैक्स लगा रहे होंगे, वो हमारी क्या होती है, ज़ीरो रेटेड सप्लाई। इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने इसको जाकर तफसील में पढ़ना है कि ये क्या होती हैं और किस तरह से होती हैं। उसके बाद एग्जेम्प्ट गुड्स क्या होती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाइज क्या होती हैं, वो गुड्स जो 6 स्केड्यूल में मेंशन हैं और जो एग्जेम्प्ट हैं जिनके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होगा, वो मेरी क्या कहलाती हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाइज कहलाती हैं। ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर हमने बहुत तफसील में बात करनी है, उसको हम आगे जाकर देखते हैं। ये डेफिनेशन जो है, ये सेकंड डेफिनेशन आई है जो हमारी इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है आई गेस 2016 का या 2015 का, उसमें ये डेफिनेशन जो है ये टेस्ट हो चुकी हुई है एक न्यूमेरिकल में, एक पॉइंट में। अब देखें सेल्स टैक्स जो है वो हमेशा चार्ज होगा गुड्स के ऊपर, किसके ऊपर चार्ज होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स के ऊपर चार्ज हो रहा होगा। देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करना है क्या वो गुड्स है या नहीं है। हमारे पास ट्री बनेगा यस और नो। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो गुड्स की कैटेगरी को ही फुलफिल नहीं कर रही, तो सेल्स टैक्स की कहानी ख़त्म, उसके ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर है तो सेल्स टैक्स ख़त्म हो जाएगा। अगर यस है तो यस में हम देखते हैं क्या वो हमारी एक्टिविटी टैक्सेबल है या नहीं, तो इस पे भी हमारी क्या बनेगा, यस और नो। अगर नो है तो सेल्स टैक्स हमारा यहाँ पे भी चार्ज नहीं होगा। फिर अगर टैक्सेबल एक्टिविटी भी है हमारी, तो फिर हम सप्लाई देखते हैं कि क्या हमने सप्लाई की है या नहीं की। एक है जी गुड्स बना कर रख दिए, बेची नहीं है, टैक्स किससे लेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, गुड्स बनाई हैं तो उसकी सप्लाई भी करनी है। तो सप्लाई पर भी हम क्या देखेंगे, यस और नो। अगर सप्लाई नहीं की, गुड्स बना के अपने रख दिया वेयर हाउस में, कोई टैक्स चार्ज नहीं होगा। एसी बना के रख दिया, क्या टैक्स लेंगे, नहीं लेंगे। लेकिन जब एसी कस्टमर को बेचेंगे फिर ही क्या लेंगे, टैक्स लेंगे। केक स्टैंड बेक जाते हैं, उन्होंने केक बना के रखे हुए हैं, टैक्स ले रहे हैं, नहीं। जब वो केक को सेल करेंगे फिर ही क्या लिया जाएगा, टैक्स जो है वो लिया जा रहा होगा। अब सप्लाई में भी हम यहाँ पे देखेंगे क्या है, अगर है तो एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल। अगर वो टैक्सेबल है तो फिर हम क्या करेंगे, रेट लगा के जो टैक्स है वो चार्ज कर रहे होंगे। तो सेल्स टैक्स की कहानी का पूरा ट्री इस तरह से बन रहा होता है कि अगर हमने किसी भी चीज़ के ऊपर सेल्स टैक्स लगाना है ना, तो हमें ये एक ट्री देखना पड़ता है कि यार ये तमाम चीज़ें अगर पूरी हो रही हैं तो फिर ही हम क्या करेंगे, सेल्स टैक्स लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगा रहे होंगे। देखिए सबसे पहले वो गुड्स हैं या नहीं है। अगर वो गुड्स ही नहीं है,
तो टैक्सी चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अगर वो गुड्स हैं फिर कहानी क्या चलेगी हमारी, अगली चलेगी। फिर क्या वो एक्टिविटी हमारी कौन सी है, क्या टैक्सेबल है या नहीं। ये गुड्स भी हैं, कागज मेरे पास पड़ा हुआ है बट मैं तो ड्राइंग कर रहा हूँ, ऐसा हॉबी लेके चल रहा हूँ, कहानी खत्म हो गई है। कि वो कागज पड़ा हुआ है मेरे पास और मैं उस कागज से किताब बना के बेच रहा हूँ, फिर वो क्या हो जाएगी, मेरी एक्टिविटी टैक्सेबल हो जाएगी। अब टैक्सेबल एक्टिविटी है, अगर देखना है क्या उस एक्टिविटी में जो गुड्स बनाई, जो चीजें बना रहा हूं, क्या उसकी मैंने सप्लाई की है या नहीं की। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सब बताएं जरा, बेचना, सेल करना। अगर सप्लाई ही नहीं की, किताबें बना के अपने पास रख ली है, एसी बना के अपने पास रख ली है, गाड़ी बना के अपने पास रख ली है, टैक्स होगा तो नहीं। अगर सप्लाई भी कर दी है तो फिर सवाल किसके ऊपर है, एग्जेम्प्ट है या टैक्सेबल है। अगर टैक्सेबल है फिर हम क्या करेंगे, उसको चार्ज कर रहे होंगे। तो इसको लिख लें, इसको कहीं पे ड्रॉ कर ले ताकि पूरा आपको कहानी समझ आ रही हो, न्यूमेरिकल्स में आपको हेल्प कर रही होगी क्या इस एडजस्टमेंट के ऊपर टैक्स लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो ये तमाम अगर क्राइटेरिया फुलफिल होता है यहाँ तक, फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टैक्स जो है वो लगा रहे होंगे। इज दैट क्लियर, इस पर किसी को कोई कंफ्यूजन। जैसे एग्जांपल लेते हैं, साग का तो सबको पता होगा या पालक का सबको पता होगा। आप यहाँ से साग लेते हैं, पालक लेते हैं, जो रेडी पे बेच रहा होता है, कोई टैक्स नहीं है। वही साग या वही पालक जाके अगर आप लेते हैं मिचल्स वालों की, जो कैंड में होती हैं, जो उन्होंने प्रोसेस करके बेच रहा होता, उसके ऊपर टैक्स होता है। आप यहाँ पर जाके पाइनएप्पल ले लें, फ्रेश पाइनएप्पल पर कोई टैक्स नहीं है, लेकिन वही पाइनएप्पल अगर आपको कैंड में मिल रहा है उसके ऊपर टैक्स है। क्यों? वो ये सारी कहानी को फुलफिल करता हुआ आ रहा होता है। तो जिस चीज के ऊपर भी हम टैक्स लगाते हैं वो इस ट्री से पास हो रही होती है। अब यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन आनी है, जो हमने पढ़नी है, वो किसकी है, गुड्स की। अगर हमें गुड्स का पता होगा फिर ही हम क्या करेंगे, टैक्स जो है वो लगा रहे होंगे। इज दैट क्लियर। लेकिन गुड्स से पहले हम आगे चलते हैं, गुड्स पर जरा बाद में आते हैं, पहले हम जरा चलते हैं सप्लाई पे। गुड्स पे जरा बाद में आते हैं, पहले हम सप्लाई कर लें। सप्लाई से हम क्या करेंगे, जरा गुड्स पे आएंगे। अभी गुड्स का मतलब है चीज़ें, सिंपल सी बात है। सप्लाई के ऊपर लिख लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपको थ्रेटिकली भी आ सकती है रट्टे के तौर के ऊपर, इसमें से केस सिनेरियो भी आपको आते हैं और ये न्यूमेरिकल के एडजस्टमेंट में आती आती है। थ्रेटिकली भी आएगी, केस सिनेरियो भी आएंगे और न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट में ये आनी ही आनी है। अभी रिसेंट अटेम्प्ट में इसमें सवाल आया हुआ है, 3-6 नंबर के सिनेरियो इसमें से क्रिएट हुए हैं कि ये सप्लाई है या नहीं है। तो सप्लाई, इसको आप हाईलाइट कर लें, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जिसको आपने समझना है, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, अगर हम इस डेफिनेशन को अभी इग्नोर करते हैं, मैं आपसे बस एज अ लेमैन पूछता हूँ, सप्लाई का मतलब क्या होता है, ज़रा बताएंगे। बेचना, प्रोवाइड कर देना, ठीक है। सप्लाई का मतलब क्या होता है, सेल करना, ठीक कह रहे हैं। कि सप्लाई का मतलब क्या है, अगर हम कोई भी चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो वो हमारी सप्लाई कहलाती है, ठीक है, यहाँ तक आप गलत नहीं है। लेकिन चूंकि टैक्स में आए हैं ना, वो कहते हैं सिर्फ यहाँ तक सप्लाई नहीं होगी, हम कहानी इससे आगे भी लेके जा रहे होंगे। वो क्या है, सप्लाई में मतलब सेल अगर आप करते हैं वो सप्लाई है, मानते हैं। लेकिन अगर आपने किसी बंदे को कोई गुड्स ट्रांसफ़र कर दी हैं और उस बंदे को ये राइट भी दे दिया है कि तुम इन गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर सकते हो, बेच सकते हो एज अ ऑनर, ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसीडर हो रही होगी। मतलब अगर किसी मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कोई गुड्स वगैरह प्रोवाइड कर दी हैं, ट्रांसफ़र कर दी हैं, इसके नाम पे लगा दी हैं और इस बंदे को ये राइट भी दे दिया है, ये हक भी दे दिया है कि तुम इन गुड्स को क्या कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो एज अ ओनर, एज अ मालक के तौर के ऊपर, तो ये ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स जो हैं ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे गिफ्ट, अगर बाप जो है बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर देता है, गाड़ी बेटे के नाम हो गई है, अब बेटे के पास ये राइट है कि वो उस गाड़ी को बेच सकता है एज अ ओनर, एज अ मालक के तौर के ऊपर, तो ये गिफ्ट करना भी क्या है, सप्लाई कंसिडर हो रहा होगा। टैक्स है या नहीं वो अलग चीज़ है, अभी हम टैक्सेबल एक्टिविटी पढ़ के आए हैं, उसमें गिफ्ट नहीं आ रहा था तो वो उस पर टैक्स नहीं होगा, बट वो सप्लाई तो है। आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं वो सप्लाई है,
उसके अलावा इसमें क्या कुछ शामिल होता है कि जो आप हायर परचेज एग्रीमेंट के मुताबिक भी सेल्स कर रहे होते हैं वो भी हमारी क्या होती है, सप्लाई होती है। हायर परचेज एग्रीमेंट क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा किस्तों पे चीज़ लेना, सुना हुआ है इंस्टॉलमेंट के ऊपर। अब इंस्टॉलमेंट के ऊपर अगर आप कोई चीज़ लेके आते हैं जिसने आपको इंस्टॉलमेंट पे चीज़ बेची है, उसके लिए भी क्या होगी, ये सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। होता क्या, एडवांस पहले दिया हुआ है, किस्तें बाद में पे कर रहे हैं, किस्तें पूरी होंगी चीज़ आपके नाम हो जाएगी, ऐसे ही होता है। बट हायर परचेज एग्रीमेंट में इसमें भी अगर आपने कोई चीज़ ली है जिस बंदे से जाके लेके आ रहे हैं, अगर उस बंदे ने आपको मोबाइल दे दिया किस्तों के ऊपर, वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई उसको मान रहा होगा। जिस बंदे ने आपको बाइक किस्तों में प्रोवाइड कर दी है वो क्या कर रहा होगा, उसको भी सप्लाई मान रहा होगा। और हम सेल्स टैक्स किसके परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, बिजनेस के परस्पेक्टिव से पढ़ रहे हैं, हम अपने इंडिविजुअल परस्पेक्टिव से नहीं पढ़ रहे। तो सप्लाई का मतलब सिर्फ सेल करना नहीं होता, बल्कि क्या कुछ होता है, राइट ट्रांसफर ऑफ राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एट एन ऑनर, और जो हायर परचेज एग्रीमेंट में भी गुड्स ट्रांसफर हुई होती हैं वो भी इसका पार्ट बन रही होती है। इट्स रेड क्लियर। तो अब टैक्स में कहीं पे भी सप्लाई का वर्ड आएगा उसका मतलब सेल तो है, लेकिन ये चीजें भी इसमें शामिल होती हैं। ये क्लियर है, असल कहानी तो यहां पे है कि इसके अलावा भी ये लिखा है ना, एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, ये जो ई तक पॉइंट है ये भी क्या है, हमारे सप्लाई का पार्ट बन रहे होते हैं। देखिए, सेल करना सप्लाई है, इन्होंने कहा ठीक है, आवाम से कुछ को पकड़ना था ना, इन्होंने कहा कि अगर आप किसी बंदे को गुड्स ट्रांसफर करते हैं एज डिस्पोज ऑफ करने के लिए, वो भी सप्लाई है। आप किस्तों में सामान लेके आते हैं, वो भी सप्लाई है। इनको फिर भी सुकून नहीं आया, इन्होंने कहा हम आपको यहाँ से भी पकड़ लेंगे, ये तमाम अमल भी करेंगे तो ये आपकी सप्लाई है। और ये जो ई पॉइंट्स हैं, ये जो पांच पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये सिनेरियोस बनते हैं न्यूमेरिकल्स में से, हर अटेम्प्ट के हर न्यूमेरिकल में से इनमें से एडजस्टमेंट तकरीबन निकल रही होती है कि वो हमें गिवन कर देगा। हमने पढ़ के देखना है क्या वो सप्लाई हुई है कि नहीं हुई, अगर हुई है तो हम टैक्स चार्ज कर रहे होंगे। अब पहला पॉइंट जो है वो है, इसको आप हाईलाइट कर लें नोट्स के ऊपर, ये मैन्युफैक्चरर के लिए, ये किसके लिए है, मोस्टली ये मैन्युफैक्चरर के लिए है, और वो मैन्युफैक्चरर जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, मतलब टैक्सेबल गुड्स बना रहा है, उसके लिए। पहला पॉइंट किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए, रिटेलर के लिए नहीं है, होलसेलर के लिए नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नहीं है। ये किसके लिए बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर के लिए, टोयोटा गाड़ियां बना रहा है उसके लिए, हायर के लिए, डॉलर्स के लिए, पेल के लिए, होंडा के लिए, ये किसकी बात हो रही है, मैन्युफैक्चरर की बात हो रही है। अब ये पॉइंट है क्या, कहते हैं पुटिंग इनटू प्राइवेट यूज, मतलब वो कह सकता था कि अगर आप ड्राइंग्स कर रहे हैं, ड्राइंग्स पता ना क्या होती हैं, क्या होती हैं, ओनर्स अपने पर्सनल यूज के लिए सामान उठा के ले जाए। स्प्रिंग 2023 में ये एडजस्टमेंट आ चुकी हुई है, न्यूमेरिकल में मुश्किल एडजस्टमेंट थी, बच्चों को समझ नहीं आई कि ये सप्लाई है या नहीं है, स्प्रिंग 2023 में एडजस्टमेंट आई हुई है। अगर आप ड्राइंग्स करते हैं, मतलब एसी बनाए हायर वालों ने, और जो मैनेजर है या जो सीईओ है वो एक एसी उठा के अपने घर में ले गया पर्सनल यूज़ के लिए, या उसने अपने ऑफिस में लगा दिया पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये भी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर होगी। उसके अलावा अगर आप बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं, सुजुकी पिकअप बना रही है, डब्बे ही बनाती है, अब उनकी डिलीवरी वैन जो है या पिकअप वैन जो है ख़राब हुई हुई है, जो रॉ मटेरियल्स लेके आती है, उन्होंने क्या किया, एक पिकअप बनाई और उसी पिकअप को बिजनेस में लगा दिया कि ये हमारा काम करेगी, लोडिंग अनलोडिंग का सामान लेके आएगी, तो बिजनेस यूज़ में ही है ना, तो ये भी क्या होगी, सप्लाई ही कंसिडर होगी। और अगर आप नॉन बिजनेस यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अब नॉन बिजनेस यूज़ क्या होता है, जस्ट टेक एन एग्जांपल, सुजुकी वालों ने डब्बा बनाया और उसको जाके ईदी वालों को दे दिया एज ए एम्बुलेंस, डोनेट कर दिया, नॉन बिजनेस यूज़ है, बट ये भी क्या है, सप्लाई कंसिडर होगी। हार वालों ने फ्रिज बनाई और फ्रिज बना के रखी है, एम्प्लॉय आया, एम्प्लॉय को फ्री में फ्रिज उठा दी, ये भी नॉन बिजनेस यूज़ है, ये भी क्या होगी, सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। बिकॉज ये तीनों अमल ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर के लिए पढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट को आगे लिख ले, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये पॉइंट सिर्फ किसके लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए। देखें, अगर कोई होलसेलर है या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है,
या कोई रिटेलर है, अगर रिटेलर कोई सामान उठा के लेके आया है ना, परचेज करके लेके आया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल कोई खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट सेंटर है, अब वो एसी भी खरीद के ला कर रखे हुए हैं उसने, उसने ला के फ्रिज भी खरीद के ला कर रखी है, ऐसे ही किया होगा ना, और उसने अपने एक एम्प्लॉय को फ्री में फ्रिज दे दी है। अब उसका अपने एम्प्लॉय को फ्री में फ्रिज देना कभी भी सप्लायर के शोल्डर नहीं होगी, क्यों? बिकॉज वो बंदा मैन्युफैक्चरर नहीं है, वो इन चीज़ों को बना नहीं रहा, वो खरीद के लेके आया था। ये पॉइंट किन के लिए है? मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो इन चीज़ों को बना रहे हैं। अब वो खान ब्रदर इंस्टॉलमेंट वाला है मोबाइल फ़ोन भी बेच रहा है, उसने एक मोबाइल फ़ोन उठा के खुद अपने पर्सनल यूज़ करके शुरू कर दिया, ड्राइंग्स तो हैं, वो ड्राइंग्स हैं, बट वो कभी भी सप्लाई नहीं है, क्यों? बिकॉज वो मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये स्पेसिफिकली पॉइंट किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए है। तीन बातें सिर्फ, कौन कौन सी? अगर आसान अल्फाज में करूँ तो ड्राइंग्स अगर कर लेता है, अगर पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है तो वो क्या है? सप्लाई है। आपकी कंपनी टायर्स की है, आपकी कंपनी में टायर्स बन रहे हैं और ओनर ने कहा जी मेरी गाड़ी का टायर चेंज कर दो, मालिक है, करवा सकते हैं, वो कर भी देंगे, वो बेशक फ्री में टायर्स चेंज कर दे, एक रुपया भी ना लें, डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे महीने के बाद, जिस जनाब आपके चार टायर कहाँ पे गए हैं? जी वो तो साहब ने लगवा लिए हैं, पैसे दिए हैं? नहीं दिए, टैक्स दो, वो टैक्स लेके जाएंगे अपना, बेशक मालिक ने फ्री में लगवाया, कुछ भी किया, क्यों? बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर थे, आप टायर्स बना रहे थे, आपने इसको पर्सनल यूज़ के लिए ले गए हैं, तो ये क्या होगी? हमारी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। आप बिजनेस यूज़ में लगाते हैं, आपके टायर्स हैं, टायर्स बना रहे हैं, जो आपके बिजनेस की डिलीवरी व्हीकल्स वगैरह हैं, पिकअप है, जो भी है आपके, उनके टायर्स ख़राब हो गए हुए, आपने टायर्स निकाल के उनके रिप्लेस कर दिए हैं, अब वो डिलीवरी व्हीकल बिजनेस के लिए ही यूज़ हो रही है, वो भी क्या होगी? सप्लाई ही कंसिडर होगी। आपका बिजनेस है, आपके मतलब आप एसी ही बना रहे हैं और आपके वेरियस डिपार्टमेंट में एसी लगे हुए हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, एसी ख़राब हो गया, आपने निकाल के वेयर हाउस से एसी चेंज कर दिया, बिजनेस में लगे, ये भी क्या है? सप्लाई ही कंसिडर हो रही है। इसके अलावा अगर आप नॉन बिजनेस यूज़ में कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, ये भी क्या होगा? आपकी सप्लाई ही कंसिडर हो रहा होगा, क्यों? बिकॉज ये आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, ये क्या है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी है, आप इन चीज़ों को बना रहे हैं, आप इन चीज़ों को बना के बेच रहे हैं, बिकॉज आप मैन्युफैक्चरर हैं, इसलिए ये क्या कहला रही है? आपकी टैक्सेबल एक्टिविटी में, सप्लाई में कंसिडर हो रही है। बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने स्पेसिफिकली ये लाइन लिख दी हुई है कि ये तीन बातें किसके लिए हैं, बिकॉज ये वो चीज़ें हैं, ये वो गुड्स हैं जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी। क्या कि आपका ये काम ही क्या है? इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, इन चीज़ों को बनाना है और बना के इनको आपने बेचना है। तो ये पॉइंट किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। पेपर में क्या करेगा? पेपर में क्या देगा जी? एक बंदा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, ऊपर बता देगा और उसने जी इतने लाख के गुड्स की ड्राइंग कर ली है। बच्चे कहते हैं ड्राइंग है, रट्टा मार के गए तो सिर्फ इतनी लाइन का, क्या करेंगे? टैक्स चार्ज करके बैठे होंगे। लेकिन आगे किसके लिए है? देखिए उसने खुद लिखा हुआ है किसके लिए है, जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स बना रहा है, ये पॉइंट किसके लिए है? मैन्युफैक्चरर के लिए। अगर पेपर में आएगा सवाल रिटेलर का, फॉर एग्जाम्पल ये जो मेट्रो वाले हो गए, कारफोर वगैरह के लिए हो गए, ये रिटेलर्स हैं, अगर ये खुद गुड्स इस्तेमाल करते हैं, फ्री में देते हैं, दोस्त को पिला देते हैं, तो वो तो उनकी कभी भी सप्लाई कंसिडर नहीं हो रही होती, ठीक है? तो ये पॉइंट ए मैन्युफैक्चरर के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? इसकी समझ आ गई सबको? पॉइंट नंबर बी जरा देखिएगा, पॉइंट नंबर बी पेपर में आज तक नहीं आया, मैं आपको बताता रहूंगा पेपर में ऐसा कौन सा पॉइंट आया है, कौन सा पॉइंट नहीं आया। पॉइंट नंबर ए पेपर में आया हुआ है, पॉइंट नंबर बी पेपर में नहीं आया, तो ये एक पॉइंट जो पेपर में नहीं आया अभी तक, उसके आने के चांसेस क्या होते हैं? हर अटेम्प्ट में ज़्यादा होते हैं, जो चीज़ें अनसीन हैं उसके टेस्ट होने के चांसेस क्या हैं? ज़्यादा हैं। पॉइंट नंबर बी क्या है? ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट ओड बाय अ पर्सन। ऑक्शन का मतलब क्या होता है? नीलामी। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है देखें, कोई मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने जाके एबीसी बैंक से लोन लिया, ठीक है, लोन लेके बैठा होगा। अब बैंक ऐसे लोन नहीं देते, बैंक सिक्योरिटी रखवाते हैं कि सिक्योरिटी दो, लोन ले लो। इसने कहा ठीक है ये मेरी इन्वेंट्री है, मैं प्लेज कर रहा हूँ, गिरवी रखवा रहा हूँ, मुझे लोन दे दे। अब इसने लोन ले लिया, अब इसने बैंक को रीपेमेंट करनी थी। अगर ये बंदा रीपेमेंट नहीं कर पाएगा तो बैंक क्या करेगा? इसकी जो गुड्स हैं वो उठा के ले जाएगा, और वो जो गुड्स उठा के ले जाएगा उनको बेचेगा, अपना लोन रिकवर कर लेगा। ऐसे ही है, अब वो बैंक
इसकी गुड्स बेच के अपना लोन रिकवर कर रहा है, ये चीज भी क्या कहलाएगी? सप्लाई ही कहला रहे हो। किसकी? इस मिस्टर ए की। बैंक की नहीं, किसकी? इस मिस्टर ए की। तो रिमेंबर, अगर आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, किसी की अमाउंट वगैरह पे करनी है, अगर वो आपकी चीज़ें बेच देता है, उनकी नीलामी कर देता है, उनको डिस्पोज ऑफ कर देता है, और वो नीलामी करके या बेचने के बाद अगर वो पैसे भी रिकवर करवा लेता है, तो ये भी क्या कहलाएगी? सप्लाई ही कंसिडर कहला रही होगी। पेपर में पॉइंट आ सकता है, आज तक पेपर में ये पॉइंट नहीं आया, इसको हाईलाइट करके रखिए कि मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट पेपर में नहीं आए। पेपर में न्यूमेरिकल में एक एडजस्टमेंट आपको गिवन कर देगा कि जी आपने किसी भी एबीसी बैंक से 2 लाख का लोन लिया हुआ था और आपने अपनी गुड्स जो है वो प्लेज करवाई हुई थी, आप टाइम पे अपना लोन जो है वो रीपे नहीं कर पाए, बैंक ने वो गुड्स जो है उठा के बेच दी और अपनी अमाउंट रिकवर कर दी। अब बच्चे क्या करेंगे? 99% ये तो बैंक ने बेची है, हमारे तो है नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि अगर आपकी गुड्स जो हैं वो नीलाम हो गई हैं या बेच दी गई हैं, आपने जो कर्जा लिया था उसको चुकाने के लिए, तो ये भी क्या होगी? सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। तो ये भी क्या है? हमारी सप्लाई ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आने में न्यूमेरिकल के लिए। उसके बाद है पॉइंट नंबर सी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पेपर में टेस्ट नहीं हुआ। जो पेपर में टेस्ट नहीं हुए वो मैं बता रहा हूँ आपको अभी तक। पॉइंट नंबर सी है, देखें, एक बंदा है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड था, और ये वाला पॉइंट तो थ्रेटिकली इम्पोर्टेंट है। पॉइंट नंबर सी, एक बंदा जो है वो सेल्स टैक्स में क्या था? रजिस्टर था। उसने अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लिया हुआ था, तमाम डॉक्यूमेंट्स फुलफिल किए हुए थे, काम कर रहा है। उसने कहा मैं अपना कारोबार बंद करने लगूँ, या उसकी गुड्स ही एग्जेम्प्ट हो गई हैं, या उसने फैसला किया मैं अपनी फैक्ट्री बंद करूँ, मैंने अभी काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के। ठीक है, जाएगा डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट में अप्लाई करेगा डी रजिस्ट्रेशन के लिए। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि डी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। वो क्या करेगा? डिपार्टमेंट जाकर किसके लिए अप्लाई करेगा? डी रजिस्ट्रेशन के लिए, कि जी मैं आपके डिपार्टमेंट में सेल्स टैक्स के तहत रजिस्टर्ड था, अब चूंकि मैंने ये काम नहीं करना तो काइंडली मुझे क्या कर दिया जाए? डी रजिस्टर कर दिया जाए। उसने कहा ठीक है, कर देते हैं। कहेगा ठीक है, हम आपको डी रजिस्टर कर देते हैं, बस एक काम करो। कहेगा क्या? आपके पास आज जितनी भी गुड्स मौजूद ना वेयर हाउस में, हमें उसकी डिटेल्स दे दो। वो आएगा भागा भागा, दरवाज़ा खुलेगा वेयर हाउस का, इतनी गुड्स मौजूद हैं। कहेगा जी इतनी गुड्स मेरे पास मौजूद है। कहेगा कोई मसला नहीं है, इन पर टैक्स दे दो। तो वो टैक्स लेके क्या कर देगा? आपको डी रजिस्टर्ड कर देगा। अब यहाँ पे देखें, क्या ये गुड्स आपने बेची हैं? नहीं, ये गुड्स आपके पास आपके वेयर हाउस में आपके बिजनेस में मौजूद हैं, कोई सेल नहीं हुई, कोई कस्टमर नहीं आया, लेकिन क्या कर रहे हैं? आपने अप्लाई किया डी रजिस्ट्रेशन के लिए, कर देंगे, मसला ही कोई नहीं जनाब, आपका हुक्म सर आंखों पर। कितनी गुड्स हैं सर? 100। ठीक है, ये टैक्स है 2, खत्म करो डी रजिस्ट्रेशन। तो जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन को टर्मिनेट कर रहे हैं, ख़त्म करवा रहे हैं, उस वक्त जितनी भी गुड्स आपके पास मौजूद हैं, प्रेजेंट हैं, पड़ी हुई हैं, वो भी क्या है? आपकी सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। कोई कस्टमर नहीं आया, कोई गुड्स नहीं बिकी, एक रुपया भी नहीं आया, लेकिन डिपार्टमेंट ने क्या ले लिया है? आपसे टैक्स पूरे का पूरा वसूल करवा लिया है। तो ये पॉइंट नंबर सी है। पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी और पॉइंट नंबर सी को ध्यान से पढ़ लें एवरीवन, फिर मैं आगे चलता हूँ। पॉइंट नंबर बी और सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक पेपर में हमारे टेस्ट नहीं हुए। पॉइंट नंबर बी और सी, आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे होती है? 11:45 पे। 11:30 कौन सी होती है? 11:45 पे होती है टाइम टेबल में। सर कैसे आते हैं 15 मिनट पहले, बताओ कौन से? अच्छा सर जवाब के बाद वो स्टार्ट कर देखे, 10 मिनट हो जाते हैं यार उनको। और पढ़ना आसान सब्जेक्ट है, इतना मुश्किल बनाया हुआ है आप लोगों ने। कभी आइएगा मेरे पास हारून ने पोस्ट पे, मैं बताऊंगा आपको हारून कितना आसान होता है। इससे आसान है ये, मुश्किल लगता है मुझे। ये क्लियर है?
ये क्लियर है? ये तीन पॉइंट्स क्या? एक बंदे ने अभी रिसेंट ग्राफ में आपको मिला हुआ है सर, उसने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसने सेल किया सर, बाद में प्रोडक्ट में है ही नहीं, सेल मेंशन किया सर, तो अब उसके लिए उसमें से काफी बैटरी जो हो गई, तो उसके बाद मसला होता कहते हैं मैंने नहीं रजिस्टर्ड हो, अब उसकी प्राइस डिटरमिन नहीं है मार्केट में, तो अब जिस पे टैक्स चार्ज करें कैसे करेंगे? FPR की एक कमेटी होती है, उसे कहते हैं वैल्यूएशन कमेटी। इसमें FPR के दो बंदे होते हैं, आपके जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके बंदे होते हैं, वो बैठते हैं। अगर किसी भी चीज़ की वैल्यू डिटर्मिन नहीं होती ना, तो उसकी खुद वैल्यू डिटर्मिन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मार्केट कुछ नहीं लग रहा पता, कहेंगे कॉस्ट कितनी लगी है, कॉस्ट और थोड़ा बहुत GP डाल के आपका 10% 20% आपकी वैल्यू निकाल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोयोटा की वैल्यू पता है यहाँ पर क्या है पाकिस्तान में? पता है ना ग्रैंडी कितने की बिक जाएगी, आल्टो कितने की, पता है ना हमें? अगर यहाँ पर टेस्ला आ जाए उसकी पता है वैल्यू क्या होगी? नहीं। तो अगर टेस्ला की डिटर्मिन करनी है वैल्यू, वो क्या करेंगे? कमेटी बिठाएंगे, कमेटी वेरियस फैक्टर देखती है कि क्या प्रोडक्शन कॉस्ट है, कितना मार्जिन होना चाहिए, फिर वो खुद डिटर्मिन कर लेते हैं वैल्यू। फिर अगर वो डिटर्मिन कर लें वैल्यू, फिर हमें वही माननी पड़ती है। ये हम जाके पढ़ेंगे आगे। आप टैक्स डिपार्टमेंट में लॉस में चीज़ें नहीं बेच सकते। टैक्स में रूल है FBR वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू, विच एवर इज़ हायर वही होती है। अगर फॉर एग्जांपल FBR ने कहा चीनी 100 रुपये किलो है, वो उसके ऊपर ही टैक्स लेंगे। आप 90 के बेचें कोई मसला नहीं है, वो टैक्स आपसे 100 रुपये का ही लेंगे। तो आप बेशक लॉस में बेच रहे हैं, वो टैक्स पूरी कीमत का लेंगे, वो नहीं छोड़ते। जालिम है मैं, इनडायरेक्ट टैक्स अगर आप जितना पड़ेंगे ना, अगर जाके आपको लगना पता कि हो क्या रहा है हमारे साथ, हमें तो पता ही नहीं है। तो ये तीन पॉइंट क्लियर है? इन तीन पॉइंट में पॉइंट नंबर B और C अभी तक पेपर में टेस्टेड नहीं है। और ये डेफिनेशन अगर आप किसी भी मिले सीनियर से, वो कहता है यार याद ही नहीं होती, इसके समझ ही नहीं आती क्या लिखा क्या नहीं लिखा, रटा वाक निकल जाते हैं। ये दो पॉइंट न्यूमेरिकली बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फिर पॉइंट नंबर D है, पॉइंट नंबर D के सामने ना आप एक वर्ड लिख रहे, इसे कहते हैं टॉल मैन्युफैक्चरर। ये इसके साथ ना ये वर्ड लिख लें टॉल मैन्युफैक्चरर का, आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे टॉल मैन्युफैक्चरर। इसका सबसे ज़्यादा पता होगा ख़वातीन को ये क्या होता है क्या नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल, जब इनके होते हैं ईद के दिन, दुपट्टा लेके आती हैं पसंद नहीं आता, फिर भेज जाके उसको डाई करवा के लेके आओ। और जब अपना डाई कर रहा है, क्या उसका दुपट्टा है ना? उसका दुपट्टा ना उसके कलर हैं, दुपट्टा इनका, कलर्स इनके, डिज़ाइनिंग इसकी, वो सिर्फ बना के दे रहा है। तो ऐसा बंदा जो किसी के कहने के ऊपर गुड्स को मैन्युफैक्चर करके दे दे, हालांकि ना उसका कोई रॉ मटेरियल था, ना कोई इन्वेंट्री थी, ना कोई डिज़ाइन था, तो ये भी क्या होती है? टॉल मैन्युफैक्चरिंग। ये भी क्या होती है? सप्लाई। वो जो पैसे लेगा रंगने के, वो क्या होगी? उसकी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जैसे ये पब्लिशर्स हैं जो बुक्स बना रहे होते हैं, जो आपको भी पासओवर की बुक्स इस मंथ के एंड तक मिल जाएंगी। अब जिसने पब्लिश की हैं, ठीक है, वो पब्लिशर है, पेपर भी उसका नहीं है, किताब हमारी, पेपर किसी और का, उसने क्या किया, बस किताब छाप के हमारे कहने पे दे दी है, तो वो भी क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग कहलाएगी। और ये भी सप्लाई कंसिडर हो रही होती है। जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये लॉन वगैरह के, उनके नहीं होता, वो सिर्फ अपना कपड़ा लेके आते हैं सफ़ेद रंग का, डिज़ाइनिंग उनका होता है, कपड़ा उनका होता है, किसी और जाके फैक्ट्री में वो क्या कहते हैं जी, इसको रंग दें, इसको डिज़ाइन कर दें। जैसे एक फैक्ट्री है यहाँ पे लाहौर में, उसका नाम है सिलिको टेक्सटाइल, वो सिर्फ डाई करती है। बड़ी बड़ी ब्रांड्स उनको अप्रोच करती हैं, बड़ी बड़ी ब्रांड्स जिनका आप सोच सकते हैं फुल बड़ी वाली, अपना सफ़ेद कपड़ा भेजती हैं, अपना डिज़ाइन भेजती हैं, वो उनके बिहाफ पे कपड़े के ऊपर डिज़ाइन प्रिंट करके उनको वापस भेज देता है। अब वो जो कपड़ा किसी का, डिज़ाइन किसी का, सिर्फ वो क्या अमल कर रहा है? प्रिंटिंग का कर रहा है। तो ऐसे को क्या कहते हैं हम? टॉल मैन्युफैक्चरर कह रहे होते हैं कि इनका कुछ नहीं होता, लेकिन ये किसी के कहने के बिहाफ के ऊपर काम करके दे रहे हैं। तो वो जो काम करके देगा, वो जो उसकी अमाउंट चार्ज करेगा, वो भी क्या कहलाएगी? सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। और एंड पे ये जो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भी सप्लाई होती है। बिजली के बिलों में सेल्स तक शामिल है, इसलिए क्यों शामिल है? बिकॉज सप्लाई है। तो जो बिजली दे रहा होगा वो क्या करेगा? आपसे सेल्स टैक्स शामिल करके बैठा होगा। तो इसमें पॉइंट नंबर A, B, C बहुत इंपॉर्टेंट है। D और E जो है वो बस अगर आप रीड भी करेंगे तो चल जाएगा। इज दैट क्लियर? अब जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं,
अब हम एग्जाम्पल्स को देखते हैं, मैंने समझाई है ज़रा, मैं भी एग्जाम्पल को कुछ नहीं बताता, ज़रा इस एग्जाम्पल नंबर वन को देखें, नज़र आ रही है आपको स्क्रीन के ऊपर, पढ़ के समझ आती है? एग्जाम्पल नंबर वन को ज़रा देखें, हाँ भाई समझ आई? किसी बंदे को कोई कन्फ्यूजन है तो ये इतिहास गवाह है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई हज़ार दफ़ा पूछता हूँ किसी को कन्फ्यूजन है तो बताए, अगर किसी ने कहा सर वो बताते नहीं है ये और वो, तो फिर शहबाज फिल को भूल जाएंगे आप लोग। आप लोगों में से किसके पास एक्सेस है पोर्टल की, मतलब कॉम्बो वाले कौन है? चलें आप लोगों को कल गाइड करेंगे पोर्टल किस तरह काम करता है किस तरह नहीं करता, जो आप लोग कन्फ्यूजन है पोर्टल कैसे चलेगा ये और वो है, कल मैं आपको पहले गाइड कर दूँगा यहाँ पर आके। ये क्लियर है ना कि इसमें कौन सी सप्लाई है और कौन सी नहीं है, ऐसे ही है? चलें ठीक है। देखिए अब जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए है, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए वो सप्लाई नहीं होगी। ज़रा ये पढ़ें एग्जांपल नंबर टू, इसके समझ आई? देखिए अब रेस्टोरेंट वाला है उसका काम है, मैन्युफैक्चरर है, अब KFC वाले हैं वो कहते हैं जी हम फ्री में खाना बेचेंगे, हम सारे पहुंच जाएंगे। वो फ्री में खाना दे रहे हैं तो वो तो मैन्युफैक्चरर है ना, उनके लिए क्या होगी सप्लाई होगी। मैं जाता हूँ मैं बाय करता हूँ और सोचता हूँ कि मैं फ्री में बांट दूँगा गरीबों को, सोचने पर कुछ हो रहा खैर एनीवेज़, तो वो सप्लाई कंसिडर नहीं होगी। क्यों? मैं तो उस मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, तो मैन्युफैक्चरर होना इम्पॉर्टेंट है, जो हमने पॉइंट नंबर ए में, अब जो पॉइंट नंबर ए हमने पढ़ा है ये पॉइंट नंबर ए के दोनों एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल वन और टू, जो सिर्फ किससे रिलेट कर रही हैं, पॉइंट नंबर ए से रिलेट कर रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये आगे आपके पास नोट फॉर स्टूडेंट पर लिखा होगा, इसको भी रीड कर लें, इसको भी हमने बड़ा डिस्कस किया तफसील में, कि ये नोट्स उन्होंने लिखा हुआ नीचे जाके, जो पहला पॉइंट है कि हमने कहा था कि अगर हम ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स को, कि आप उसको एज अ ओनर डिस्पोज कर सकते हैं या डिस्पोज ऑफ के राइट्स दे रहे हैं, तो वो भी सप्लाई कंसीडर होती है। ये पढ़ा है ना हमने पॉइंट अभी। अब गिफ्ट करना वो सप्लाई है, अगर बाप ने बेटे को गाड़ी गिफ्ट कर दी है तो वो सप्लाई तो है, वो सप्लाई है, लेकिन वो टैक्सेबल है या नहीं वो जाके हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम टैक्सेबल एक्टिविटी पढ़ के आए हैं, टैक्सेबल एक्टिविटी की डेफिनेशन से वो सप्लाई नहीं है, वो मतलब वो उस पर टैक्स चार्ज नहीं होगा, बट वो सप्लाई होगी सप्लाई की डेफिनेशन से, ठीक है। उसके अलावा पॉइंट नंबर बी जो है ये हायर परचेज से रिलेट कर रहा है। अब हायर परचेज में और लीज में ना एक डिफरेंस होता है, लीज का नाम सुना हुआ है, PRC करके आए हैं, एक टाइम ने 5-5 पेपर पास किए हैं माशाल्लाह से, उसी ख्वाब को लेके आ गए हैं कैफ में कि आग लगाएंगे, फुल प्लानिंग की हुई है, 2 अटैम्प्ट में कैफ और 2 अटैम्प्ट में CFAB, इसी ये ख़त्म, 2-4 अटैम्प्टों की मार है, को पता नहीं होनी कि आपके साथ, वैसे एक पेपर में 4-4 लग जाती हैं, 4 में पूरा कैफ कर रहे हैं। अब लीज़ क्या होता है, यहाँ पे हम लीजिंग एग्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पे हम लीज़ एग्रीमेंट में बेसिकली बात कर रहे हैं फाइनेंस लीज़ की। अब ये फाइनेंस लीज़ क्या होता है, एक है हायर परचेज जो हम पढ़ के आए हैं अभी यहाँ पे, वो है नॉर्मल किस्तों वाला काम। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, आप AC किस्तों पे लेते हैं, एग्रीमेंट हुआ, एडवांस दिया, उसने कहा ठीक है ये AC ले जाए, हम आपको क्या करेंगे इंस्टॉलमेंट बाद में पे करते जाएंगे, ख़त्म इंस्टॉलमेंट आपका हो गया, ठीक है। लीज में थोड़ा डिफरेंस आता है, वो क्या होता है, आप कहते हैं कि यार मैंने कार जो है वो लीज पर लेनी है, आप कहते हैं जी गाड़ी मैंने लीज पर लेनी है, वो कहते हैं ठीक है, टर्म कितनी है, 5 साल की है, 5 साल के लिए आपने गाड़ी लीज़ पे ली हुई है, तो 5 साल तक आप किस्तें वगैरह पे कर रहे होते हैं, जब लीज़ का टाइम पूरा हो जाता है ना, फिर बैंक वाले आपसे पूछते हैं कि आपने ये गाड़ी हमसे परचेज़ करनी है या नहीं करनी, मतलब अभी आपने ख़रीदी नहीं है कि
किस्तें होती हैं, किस्तें पे करने के बाद जब टाइम पूरा होता है वो कहते हैं ये इसकी वैल्यू है मार्केट, ये जो भी है इसके ऊपर परचेज करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। अगर आप परचेज कर लेंगे वो गाड़ी आपकी हो जाएगी, अगर आप नहीं करेंगे तो बैंक वाले आपसे लेके जाके मार्केट में या कहीं भी नीलाम वगैरह कर देंगे। तो ये लीज़ में आता है, जाके आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे तफसील से। अगर लीज़ एग्रीमेंट है, अगर हम लीज़ की बात करें तो रिमेंबर, जब हम लीज़ एग्रीमेंट में गाड़ी या एसेट ट्रांसफ़र कर देंगे ना, वो हमारी क्या होगी, सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। जिस दिन टर्मिनेट हुआ, टर्मिनेट होने के बाद जिस दिन हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी सप्लाई कंसिडर हो रही होगी। उसके अलावा ड्राइंग्स जो है वो भी हमारी सप्लाई है। और पॉइंट नंबर डी हमने पढ़ लिया होगा कि अगर हमने लोन लिया हुआ है या कोई भी अमाउंट हमारी पेएबल है, इवन डिपार्टमेंट सेल्स टैक्स वालों को अगर हमने कोई टैक्स वगैरह पे करना था, हम पे नहीं कर रहे थे, आए छापा मारा, वेयर हाउस को सीज किया, सामान उठा के ले गए, सामान बेच के उन्होंने टैक्स रिकवर कर लिया, तो वो भी क्या होगी, हमारी सप्लाई ही कंसिडर हो रही होगी। तो जो हमने वहाँ पे पॉइंट्स पढ़े हैं उन पॉइंट्स की जो तमाम तफसील जो है हमारे यहाँ पे मौजूद है कि ये चीज़ें जो हैं वो इसका पार्ट बन रही होती हैं। क्लियर है? एक दफ़ा जल्दी से ना सप्लाई के पढ़ लें डेफिनेशन, उसके एग्जाम्पल्स और उसके ये नोट फॉर स्टूडेंट जो है ये ज़रा पढ़ लें। ये इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसमें से लाइक थ्रेटिकल भी आ सकते हैं, वो बहुत कम आते हैं। मोस्टली क्या है, ये किससे रिलेट कर रही है, सिनेरियोज़ हैं, आपको गिवन करेंगे सिनेरियोज़ के सप्लाई है या नहीं बताएं, और न्यूमेरिकल्स में ये आनी ही आनी है, आपको हर न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट इसमें से निकल रही होती है। तो इसको ज़रा रीड कर लें फिर आगे चलते हैं। तो मैं ये करूँ, बैठा हुआ अभी बाहर, आखिरी 5 मिनट भेजें। इसको तसल्ली से पढ़ लें, ये हमारी इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इसके अलावा हमारे पास कोई 3 के करीब और डेफिनेशन है जो इम्पॉर्टेंट है इस लेवल की, बाकी मोस्टली रीड ओनली है एक आधी क्रैम करने के लिए कि ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है। गालिबन आज मंडे है, वेडनेसडे को हमारे डेफिनेशन ख़त्म हो जाएंगी और अगले वीकेंड तक हमारा सेल्स टैक्स भी ख़त्म हो रहा होगा। समझ निकल जाए ना, बंदा आप थोड़ा मास्क नहीं करके बैठे। मैंने 20 दिसंबर को टैक्स आपको ख़त्म करवाने, फिर मैंने 20 दिसंबर से लेके 31 जन तक आपको रिवाइज़ करवाने, 140 दिन के लॉन्ग रिवीजन। उसके बाद फिर मैंने फेब में आपको 15 डेज का रिवाइज़ करवा के 15 फेब को छोड़ना। तो आप लोग अगर पास करना चाहते हैं, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, मोबाइल बंद करके बैठे क्लास में फोकस होकर तो पास हो जाते हैं। ऐसे कभी भी नहीं होता कि नोटिफिकेशंस देखने और पढ़ने पेपर पास हो रहे, कभी नहीं होता। तो 3 दफ़ा हमने सिलेबस जो ऑन अ वेरी फर्स्ट डे कमिटमेंट की थी वो तो हमने करने, तो 20 दिसंबर तक पूरा सिलेबस करेंगे जिससे भी डिटेल में कर रहे हैं। उसके बाद एक लॉन्ग रिवीजन करेंगे, वो 40-35 दिन की होगी जिसमें हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें करेंगे। उसके बाद फिर हम दोबारा रिवीजन करेंगे, 3 दफ़ा मैं करवा दूँगा, एक दफ़ा आप कर लेना पेपर में जाके पास हो जाएगा। टेस्ट शुरू अभी करते हैं, थोड़ा पढ़ तो लें। इसमें क्या टेस्ट दूँ जैसे, यार क्या टेस्ट लूँ? हाँ बहुत टेस्ट हैं, लिखवा ले कैमरे पे कह रहा हूँ, जो टेस्ट का पूछता है ना सबसे पहले वही बंक करता है। इतिहास गवाह है, जिसने आज तक पूछा टेस्ट होंगे वो कभी टेस्ट नहीं देता। ये हो जाए ना कंप्लीट, डेफिनेशंस कंप्लीट हो जाए फिर टेस्ट लेते हैं। भाई चूँकि हमने स्टार्ट ही किया वेडनेसडे को, वो ओरिएंटेशन थी, जुमे को आपने कहा एक हफ़्ता छोड़ दें, वो भी आप लोगों ने बढ़ाने दिया, तो सो डैट्स वाई ये हफ़्ता हमारा बोन है। एक हफ्ता मैंने आप कहने पे ऑफ कर दिया, अब सारे हमारे सैटरडेज जो हैं वो ऑन है। तो गालिबन हम थर्सडे या फ्राइडे को टेस्ट लेंगे, टेस्ट 1 जो सेल्स टैक्स के डेफिनेशंस का होगा। कल कन्फर्म करूँगा कि टेस्ट किस दिन है और किस टॉपिक है, ठीक है? तो ये पढ़ लिया, ये क्लियर है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लेके चल रहे होते हैं। जब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, जब तक आपने गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं की ना तब तक आपके नाम है, जब आप ट्रांसफ़र कर देंगे जब उसके नाम गाड़ी हो जाएगी फिर आप उसको सप्लाई कंसिडर कर रहे होंगे।
दो पार्टी होती है, एक लेसी एक लेसर। जो लेसी है जिसका एसेट है, लेसर जिसने लिया है, ट्रांसफर। अच्छा, इससे सप्लाई को क्रैम नहीं करना, वो ना रटे मारो सप्लाई के, सुबह आंखें सूजी हो जी, हमने 40 घंटे लगा कर रटा मारा, इसको क्रैम करना नहीं है। ये पूरी डेफिनेशन समझने वाली थी, नीचे आपको एग्जांपल्स गिवन की हुई हैं, एग्जांपल्स पढ़ के समझना है इसको आपने, बिकॉज इसमें से आपने देखिए वो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, 2 और 3, जिस तरह उसमें से वो सिनेरियो गिवन हुआ ना, जनरेट हुआ, इस तरह ही सिनेरियो जो है वो क्रिएट हो रहा होता है इसमें। तो ये सिनेरियो बेस्ड इसमें चीज़ें आ रही होती हैं। ठीक है, ठीक है जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं यहाँ से ऑनवर्ड। कल का डे हमारा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कल हम सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस